खुदावंद मुताल हमें ये तौफीक अता फरमाए कि हम इस मुहर्रम में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के मकसद को समझ सकें और इन अय्याम में कि जो खुदा ने हमें रिस्क के तौर पर अता किए हैं, ये रिस्क मानवी कि जो हर साल आसमान से दस्तरखान खुलता है, उस दस्तरखान से हम कुछ हासिल करें और फिर रोज़े आशूरा हम भी अपने आप को पाक कर कर इमाम हुसैन के कारवान में शामिल हो जाए। इसीलिए हमें बहरहाल ये चंद दिन कोशिश करनी है और सब ने मिल के कोशिश करनी है ताकि हम किसी एक मकाम पे हासिल करें। खुदावंद मुताल ने इंसान को खल्क किया, उसके लिए औलियाओं असियाओं को भेजा। खुदा अपनी मखलूक से मोहब्बत करता है और ये उसकी मोहब्बत है कि वो नहीं चाहता कि उसकी मखलूक जो है वो किसी नुकसान में रहे। परवरदिगार ने जहाँ कुरान में इंसान से अगर कुछ मांगा भी है तो इसलिए नहीं मांगा कि खुदा को ज़रूरत है। खुदा को किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं, वो गनी है, हम फ़कीर हैं, हम मोहताज हैं। लेकिन क्यों मांग रहा है खुदा? यह वो आयात के जहाँ पर परवरदिगार सवाल कर रहा है, यह वो आयात के जहाँ पर रसूल के ज़रिए से सवाल करवाया जा रहा है। रसूल खुदा फरमाते हैं कुल ला असअलुकुम, मैं तुमसे जो सवाल कर रहा हूँ क्या है? कुछ नहीं है, मैं तुमसे कुछ नहीं मांग रहा सिवाय मवद्दत के। अब यहाँ पर भी जो रसूल खुदा मांग रहे हैं, रसूल खुदा साइल नहीं है। साइल वो होता है जो अपनी हाजत लेकर आता है, मगर रसूल खुदा को हाजत की ज़रूरत है। महबूब है, परवरदिगार है, मकसद कायनात है, उनको किस चीज़ की ज़रूरत है, वो क्यों लेकर? ये जितने भी सवाल कुरान कर रहा है, खुदा कह रहा है खुदा को क्या है, कर्ज दो, मगर खुदा मकरूज़ है, खुदा ना खास्ता। खुदा के ख़जानों में कमी है किसी चीज़, जो हमें दिया है वो भी खुदा ने ही दिया है। अब इसके पीछे फ़लसफ़ा क्या है, खुदा क्या चाह रहा है? परवरदिगार कुरान में इरशाद फरमाता है सूरह मोहम्मद की आयत नंबर 38 से, परवरदिगार कह रहा है कि तुम में से कुछ लोगों से खुदा जो है वो कुछ मांगता है तो तुम बुख़ल ना करो, यानी कंजूसी ना करो। और जो बुख़ल करता है वो असल में अपने नफ्स से, अपने आप से बुख़ल कर रहा है। खुदा तुम्हारे माल तुमसे नहीं मांग रहा, बस अल्लाह की राह में इन्फाक करो, खुदा कह रहा है मेरी राह में इन्फाक करो। ये राह में इन्फाक मांग रहा है, क्यों मांग रहा है, क्यों सवाल हो रहा है? क्योंकि वो एक दर की तरफ लेके जाना चाहता है, एक दरवाज़े की तरफ दावत दे रहा है। रसूल खुदा को परवरदिगार ने भेजा, इसलिए अम्बिया को भेजा कि मखलूक को इस दरवाज़े के ज़रिए से कमाल की तरफ लेके जाए। ये जो सवाल रसूल कर रहे हैं वो बेसिकली हमें दावत दे रहे हैं, आओ इधर आओ, मैं तुम्हें इस पूरी दुनिया के शोर शराबों से बचा रहा हूँ, मैं तुमसे कुछ नहीं चाह रहा और मुझे कुछ नहीं चाहिए। ये जो मैं तुमसे मांग रहा हूँ ये तुम्हारी बका के लिए है, ये जो मैं तुमसे मवद्दत मांग रहा हूँ अपने कुर्बा की, अपने घर वालों की, ये तुम्हारी बका है। इसमें छोड़ दो ना दो मोहब्बत, क्या होगा, क्या हुआ, क्या हो रहा है, क्या होगा आपके सामने है। यहाँ यही इन सारी चीज़ों के पीछे है कि खुदा जब कुछ चाहता है तो इंसान को कमाल पे पहुँचाना चाहता है। माह मुहर्रम भी इसी तरह एक रिपीटेशन है, एक तकरार है, ये हर साल आकर यही दावत दे रही है, आओ दरवाज़ा खुला हुआ है, आओ खुदा तुम्हें किसी मकाम पर लेकर जाना चाहता है, खुदा लेके जाना चाहता है। कैसे आओ, किस तरह आओ, आ जाओ कमाल पे लेके जाना, खुद हुसैन इब्ने अली का काम है,
ये हमारा काम नहीं है। रोज़े आशूर, शबे आशूर, कई लोग थे जो आखिर में आए, और कहाँ चले गए और किस मकाम पे पहुँच गए, आज भी दरवाज़ा खुला हुआ है। अज़ीज़ाने मोहतरम, हम आपसे गुजारिश करते हैं कि इस चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ इन वीडियोस को जरूर शेयर करें ताकि अहले बैत का पैगाम ज्यादा से ज्यादा जवानों तक पहुंच सके।